ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं काव्या, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हमले की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बुधवार दोपहर को कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके घर पर हमला किया और सीसीटीवी कैमरे, सिक्योरिटी बैरियर और सभी बूम बैरियर तोड़ दिए। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि भाजपा के गुंडों ने अरविंद केजरीवाल के घर पर तोड़फोड़ की है। भाजपा पर आरोप लगाने के साथ साथ उन्होंने दिल्ली पुलिस पर हमला करते हुए कहा है कि भाजपा की पुलिस उन्हें रोकने की बजाय दरवाजे तक ले आई है। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि बीजेपी के युवा मोर्चा के करीब 150 से 200 कार्यकर्ताओं ने सुबह 11:30 बजे सीएम आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि ये प्रदर्शन केजरीवाल के द कश्मीर फाइल्स पर दिए गए बयान पर था, जिसके विरोध में उन्होंने दरवाजे पर पेंट फेंका और वहां लगे सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ दिया। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए 70 लोगों को हिरासत में लिया है और उन पर कार्यवाही की जा रही है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर